राम ही राम, बुद्ध के नाम। दरअसल पाली के अंदर बुद्ध के बाद, क्योंकि बुद्ध के समय जहां लोग रमण करते थे, जहां रमते थे ध्यान में, साधना में, तप में बैठते थे एक साथ, उस जगह को आराम बोलते हैं। सुरा मेरे लज्ज पम्मट कण वर मन सिखा पदं समाधियामि। सुरा मेरे लज्ज पम्मट कण वर मन सिखा। बाबा साहब अंबेडकर के हजारों टुकड़े किए हैं लोगों ने, लाखों टुकड़े किए हैं उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने, उनके भक्तों ने। 29 लाख लगभग संगठन बताए जाते हैं जो समण समाज के हैं, और 4 लाख संगठन एक्टिवेट हैं। इसका मतलब 4 लाख एक्टिवेट टुकड़े उनके कर रखे हैं और 29 लाख टुकड़े करने की पूरी तैयारी है। बाबा साहब के ही टुकड़े नहीं, बाबा साहब का काम करने वाले जो लोग हैं, जो आए हैं, जिन्होंने काम किया है, उनके भी टुकड़े करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप उनके टुकड़े कराने में पूरे के पूरे भागीदार हैं, पूरा का पूरा सहयोग करें और पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं। 9 अक्टूबर को जब मान्यवर साहब काशीराम जी का निर्वाण दिवस था, उस समय एक शहर के अंदर 2 जगह उनकी फोटो लगाकर और समण समाज के 2 टुकड़े कर वहां लोग बुलाए गए। इसके अतिरिक्त तो और भी लोग हैं जो उनके नाम पे, उनके अनुयायी अपने आप को कहते हैं, और वो टुकड़े टुकड़े करके साहब काशीराम का टुकड़ा कर रहे हैं। और हर आदमी कह रहा है, मेरे राम काशीराम, मैं काशीराम, मैं काशीराम हूँ, काशीराम साहब हैं, काशीराम मान्यवर हैं, काशीराम हमारे मान्यवर हैं, काशीराम हमारे देवता हैं। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, मगर उनका विचार, उनकी आइडियोलॉजी, उसके सारे के सारे टुकड़े कर रहे हैं, एक तरह से उनके टुकड़े कर रहे हैं। या ये कहें कि मरने के बाद उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं उनके अनुयायी और उनके भक्त। कैसा लगता है जब कोई व्यक्ति ये कहे कि संगठित हो जाओ, कैसा लगता है जब कोई व्यक्ति ये कहे कि सबको एक साथ होना है, और उसी विचारधारा की और उसी आइडियोलॉजी के 2 समूह बनाए जाएं बड़े बड़े, और एक ही दिन एक ही शहर में 2 रैली की जाएं, और उसके बाद उस रैली को जस्टिफाई करने के लिए, उसको ये कहने के लिए कि देखो हमारी रैली कितनी अच्छी, और हमारी रैली से तुम्हारे लोगों का ये प्रभाव पड़ा, और तुम्हारी रैली से हमारे लोगों का ये प्रभाव पड़ा, और एक दूसरे के दावे। दरअसल ये दावे कर किसके लिए रहे हो, किसके सामने कर रहे हो? जिससे लड़ रहे हो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जीत गया। अगर आप समझ सारे के सारे टुकड़े समण समाज के करने में कामयाब हो गए, अगर आपने लाखों संगठन बना दिए समण समाज के, SC ST OBC के, कहीं बहुजन के नाम से, कहीं मूल निवासी के नाम से, कहीं जाति के नाम से, कहीं किसी अलग तरीके से, तो जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हो या जो आप पाना चाहते हो, वो तो आपको ज़िंदगी में मिलेगा नहीं। और जिनके खिलाफ लड़ रहे हो उनका तो आप एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। ये लोग जो नेता हैं और जो रैलियां करते हैं, उनका कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो कमाते तो है नहीं, उनका धंधा ही ये है। आप भारत के किसी भी समण समाज के नेता को उठाकर देख लीजिए, वो कोई काम नहीं करता, वो कोई ठेला नहीं लगाता, कोई रिक्शा नहीं खींचता, कोई मजदूर नहीं करता, वो कहीं कोई काम नहीं करता आमदनी का या अपने परिवार को चलाने का। वो परजीवी है, वो आपसे चंदा ले रहा है, आपसे पैसा वसूल कर रहा है, आपको एक सपना दिखा रहा है कि मैं सबको इकट्ठा करूँगा, सारी परेशानियाँ दूर होंगी, और वो कुछ इकट्ठा नहीं करता, वो टुकड़े करता है और टुकड़े करता है और टुकड़े करता है। कुछ भक्त उसने बनाए हुए हैं जो रसीद बुक लेकर जाते हैं आते हैं, वो उसकी आंख बंद करके जय जयकार करते हैं। कुछ भक्त उसने बनाए हुए हैं जो बाकायदा उसका प्रचार प्रसार करते हैं, और ये खेमे बने हुए हैं, ये बाड़े बने हुए हैं जो जातियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि जाति का सिस्टम तो बाबा साहब ने एनलिसन कास्ट में समझा दिया था, मगर बाबा साहब ने ये नहीं सोचा होगा कि मेरे जाने के बाद जातियों से भी बड़ी समस्या आ जाएगी, जब ये 29 लाख संगठन होंगे जिसमें 4 लाख संगठन एक्टिवेट होंगे, और भी ज़्यादा मुसीबत जब आएगी, जब बुद्ध के नाम से भी जो संगठन है वो अलग अलग बनेंगे, भिक्कू भी अलग अलग अपने मठ बनाएंगे, अपने अपने कबीले बनाएंगे, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने दफ्तरों में अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, अलग अलग इकट्ठे होंगे,
जो लड़के हैं वो अलग अलग दलबल बनाएंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जो सामाजिक संगठन है उसके हजारों लाखों टुकड़े होंगे और लोग लाखों टुकड़ों में बटेंगे। अगर बाबा साहब को ऐसा पता होता या ऐसा वो जानते तो मेरे ख्याल में बाबा साहब वो काम ही ना करते जो वो करके गए। नेता कभी नहीं चाहेगा कि संगठन खत्म हो, क्योंकि नेता का आमदनी है, नेता का परिवार चलता है। मगर आप तो समझदार हैं, आप तो मूर्ख नहीं हैं, आप ही उसे पैसा देते हैं, आप ही उसकी भीड़ में जाते हैं। जरा सोचिए कि आप ही के परिवार के हजारों टुकड़े और एक ही शहर में दो रैली और दो टुकड़े दुश्मन हैं क्या आप एक दूसरे के? किससे दुश्मनी आपकी? अगर आपकी नेता से एक से दुश्मनी है तो दूसरे नेता को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन सा अच्छा काम कर रहा है? तो जो दोनों नेता हैं वो तो दोनों बेवकूफ बना रहे हैं आपका। भाई एक नेता आपको पसंद नहीं है, दूसरा पसंद है, दूसरे लोगों को आपका नेता पसंद नहीं है, दूसरा पसंद है। तो लड़ तो आप रहे हो, पैसा तो आपका जा रहा है, नुकसान तो आपका हो रहा है। जो चीज के लिए आप फाइट कर रहे हो वो आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप अलग अलग हो। और हॉबी कितने? 14%, 16%, 16%। तो 14-15-16% में क्या होने वाला है? आप इकट्ठे होगे तो कुछ होगा, मगर अभी तो आप ही टूट गए हो, कहीं 2%, कहीं 1%, कहीं आधा परसेंट। तो आपका तो जिंदगी में भी कुछ नहीं हो सकता। आपका पैसा बर्बाद जाएगा, आपका समय बर्बाद जाएगा, आपको उल्लू बनाया जाएगा। आप उल्लू हो, क्योंकि अगर आप उल्लू नहीं होते तो इतना सा तो सोच लेते दिमाग से कि जब हमारा समाज एक है, जब हमारा परिवार एक है, जब हमारा महापुरुष एक है, जब हमारी बात एक है, जब हमारी विचारधारा एक है, तो हम किस उसूल से, किस विचारधारा से, किस बात से अलग हैं? क्यों हम अलग अलग संगठन कर रहे हैं? तो दोनों संगठनों में नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि बिना नेता के आपकी रोटी नहीं पचेगी, अगर आपको लगता है कि बाबा साहब ने यह कहा है कि नेता बहुत जरूरी है, वैसे तो बाबा साहब ने सिर्फ ये कहा है कि इकट्ठा होना जरूरी है, नेता जरूरी नहीं है। और आप एक बार इकट्ठे होकर देख चुके हो, जब 2 अप्रैल 2018 को कोई नेता नहीं आया साथ में, आप इकट्ठे हुए, आपका अधिकार बच गया। तो किसी महापुरुष ने यह कहा हो कि नेता बहुत जरूरी है? कोई महापुरुष कह के नहीं गया कि नेता बहुत जरूरी है। ये नेता ही कहते हैं कि नेता बहुत जरूरी है, जबकि ये गैर जरूरी है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये इनकम्पिटेंट है, ये नालायक है। अगर ये लायक होते तो ये एक साथ होते, तो इनको इतनी समझ होती कि संगठन में शक्ति होती है। इनको तो पहला वाक्य ही नहीं पता कि संगठन में शक्ति होती है। अगर ऐसा होता तो ये कहते कि हम नेता तब हैं जब हम सब साथ होंगे। तो पहले नेता साथ होंगे, क्योंकि संगठन में शक्ति है ना, तो इसलिए नेताओं की शक्ति पहले नेता इकट्ठे होकर देंगे, तब हम पब्लिक को इकट्ठा करेंगे। ये हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं, एक दूसरे का दुश्मन बनाते हैं, और हमसे कहते हैं दुश्मन कोई तीसरा है। अरे हमें आपस में दुश्मन बना रहे हो तो दुश्मन तीसरा है कहाँ? दुश्मन तो तुमने हमें पैदा कर दिया। बाबा साहब जातियां खत्म करके गए, बाबा साहब ने कोई जाति का संगठन नहीं बनाया, बाबा साहब ने सारी जातियां SC ST OBC किसी के नाम से की, तुमने जातियां खोल दी, तुमने जातियों के संगठन बना दिए, तुम जाति जाति खेलने लगे, तुम जातियों के समूह और सम्मेलन करने लगे। तो जितने भी लोग हैं जो समझदार हैं, जो उनकी रैली में जा रहे हैं और जो उनको पैसा दे रहे हैं, अगर अपने बच्चे बचाने हैं तो तुरंत उनको पैसा देना बंद कर दो, क्योंकि पैसा देने से नेताओं की कमर टूटेगी। और अगर पैसा ना देने के बाद भी आपने पैसा नहीं दिया और उसके बाद भी वो सम्मेलन करते हैं, उसके बाद भी उनके पास पैसा आता है, तो इसका मतलब बाहर से पैसा आता है, फिर तो वो आपके आदमी है ही नहीं। और जब आप पैसा नहीं देंगे उनको तो वो आपस में एक होंगे, क्योंकि रोजी रोटी तो आपसे चलेगी ना, खर्चा तो आपसे चलेगा, तो वो एक होंगे तो फायदा होगा। हमें क्या लेना देना नेताओं से? हमें तो इकट्ठा होना है, अपना हमें अधिकार चाहिए, जो बाबा साहब ने अधिकार ला के दिए थे वो सारे अधिकार हमें चाहिए। ये नेता आपस में कुछ भी करें, हमें क्या लेना देना इससे? अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो इनको छोड़ दो, तो इनका सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। तो होना ये चाहिए था कि जब भी नेता बुलाएं उनको ये कहना चाहिए कि भाई पहले इकट्ठे हो जाओ और हमको आपस में मत लड़ाओ, अब हम समझ गए इस बात को कि तुम हमसे रोजी रोटी चलाते हो और हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है अगर इकट्ठे नहीं होते हो तो। बाबा साहब ने कहा है कि बिना नेता के भी इकट्ठे हो जाओगे तो भी अधिकार बच जाएंगे, तो हम बिना नेता के इकट्ठे हो जाएंगे। इस बात को सब लोग ध्यान से सुने और ध्यान से कहें और समझें, इस पर चिंतन करें, और ये मूर्खों वाला जो व्यवहार है, जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, इसको बंद करें, इसको तुरंत बंद करें, क्योंकि समय बड़ा कम है। हम आपस में ही अगर लड़ेंगे नेताओं के कहने से तो हमें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला, और ये नेता सब भाग जाएंगे, ये सब हाथ खड़े कर देंगे, ये दिखाई भी नहीं देंगे, ये हाथ में भी नहीं आएंगे, हम मारे जाएंगे, क्योंकि हम ही मारे जा रहे हैं, अधिकार तो हमारे गए हैं। इन नेताओं का कौन सा अधिकार है? इनकी तो पेंशन बंदी हुई है,
इनके पास तो पैसे बहुत सारा है जो हमने दे दिए उनको इकट्ठे हैं, ये तो कार में चलते हैं, बड़ी बड़ी में जहाज़ में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और हमको लड़ाते हैं और कहते हैं दुश्मन कोई तीसरा है। अरे दुश्मन तो तुम हो हमारे, जो हमें आपस में लड़ाते हो, जो हमारे परिवार को लड़ाते हो, जो हमारे परिवार को तोड़ते हो अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से। इस बात को समझते हुए अच्छी तरह जितनी जल्दी हो सके उनको छोड़ देना चाहिए और पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी आंदोलन में लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। खाना है लोग अपना साथ ले आएंगे, जहां बुलाना होगा लोग अपने आप आ जाएंगे, मंच माला माइक से लोगों का क्या लेना देना, ये फूल पत्ती लगाते हो उससे कौन सी क्रांति होने वाली है, ये बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हो अपने प्रचार के इससे कौन सा जलजला आने वाला है, ये जो दुनिया भर में अपना प्रचार करते हो और बड़ी बड़ी गाड़ी में आते हो तो रेल के जनरल के डिब्बे में आ जाओ, बस में आ जाओ, छोटी गाड़ी में आ जाओ, तो ये सारी जो सोसेबाजी और दिखावा है ये सब आप लोगों के ऊपर है और आपका कहीं कुछ आज तक बना नहीं है। 70 साल में सारे अधिकार चले गए और अब तो आप ख़त्म होने वाले हैं, आपके बच्चे ख़त्म होने वाले हैं। अगर जिद्द है जिंदा रहने की और जिद्द है बचने की तो इन नेताओं को तुरंत पैसा देना बंद करो, इनकी रैलियों में जाना बंद करो और इनको ये कहना शुरू करो पहले इकट्ठे हो जाओ फिर हम तुमको पैसा देंगे, फिर हम तुम्हारे साथ आएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं आएंगे, क्योंकि कम से कम हमारा पैसा बचेगा, हमारा समय बचेगा, हमारा जो दिमाग खराब कर रखा है वो बचेगा। धन्यवाद। Sangam Sarnam Garchami.